क्षेत्र के दौरे पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव संबोधित कर रहे, सुनिए। मैं नमिता जाटव जी, जिन भी सब लोगों को सम्मान मिला और सभी भाई और बहनों, आप लोगों ने एक अच्छा काम किया है कि प्रतिभा सम्मान का काम किया है। मैं आज सुबह भी यादव समाज के प्रतिभा सम्मान के कार्यक्रम में था और मेरा ये सौभाग्य रहा कि अभी मैं जाटव समाज के प्रतिभा सम्मान के कार्यक्रम में हूं। मेरे को कोई भी जब नौजवानों के प्रतिभा सम्मान के कार्यक्रम में बुलाता है तो मैं हमेशा सारे कार्यक्रम छोड़ के उसको प्राथमिकता देता हूं। उसका कारण है, लंबे समय तक हमारे जो जीवन हम लोगों ने जिया है उसमें एक तरह की उदासीनता रहती थी कि पढ़ना लिखना किसी और का काम है, ये कोई और करेगा, हमें क्या करना है, जिंदगी जैसी है वैसी जिंदगी जी लेंगे, आगे बढ़ करके क्या हो। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जब वो इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहे थे तब उनके परिवार की परिस्थिति भी ऐसी थी कि परिवार की जिम्मेदारी भी उनके पास थी, लेकिन वो स्कॉलरशिप लेकर के मेहनत करके पढ़ा भी करते थे, परिवार के लिए भी पैसे भेजा करते थे। और इसलिए एक पत्र उन्होंने रमाबाई जी को लिखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि बेशक आधी रेड रोटी खा लेना पर बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा पर जरूर जोर देना। आपका फोन है, मेरा नहीं। आधी रोटी खा लेना पर शिक्षा पे जरूर जोर देना, क्योंकि शिक्षा दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी है। दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है, एक बार जो शिक्षित बन जाता है वो फिर समर्थ बन जाता है। और इसीलिए जगह जगह पर शिक्षा को लेकर के बहुत सारे लोगों ने मेहनत और संघर्ष करी और सकारात्मकता का एक वातावरण भी खड़ा किया। लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रतिभा को केवल नंबर के आधार पर तय नहीं करना चाहिए। नंबर आना एक गुण है और जीवन जीना दूसरा गुण। हम शिक्षा के नाम पर अगर केवल प्रोडक्ट बनाते रहेंगे तो शिक्षा, बाबा साहब ने जो शिक्षा कही थी वो प्रोडक्ट बनाने के लिए नहीं थी, वो पर्सनैलिटी बनाने के लिए थी। इसलिए शिक्षा में पर्सनैलिटी को भी जोर देना चाहिए। मैं आज सुबह भी जब एक समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह में था तो मैं कह रहा था कि एक तो भाई बहुत सारे लोगों को लाके पगड़ियां पहनाते हो, कम पहनाया करो, बच्चों को इनाम ज्यादा दिया करो। और दूसरा, आप ये जो प्रतिभा सम्मान समारोह में मान लो किसी ने 97 प्राप्त कर लिए उसको तो फर्स्ट का दे दिया, 96 को सेकंड का दे दिया, 95 को थ्री का दे दिया, अब जो 94.8 लाया है वो कहां है? वो भी तो प्रतिभावान है। तो मेरे को लगता है सम्मान तो करना ही चाहिए, लेकिन बच्चों के लिए आज के समय में आगे बढ़ने के लिए काउंसलिंग का भी बहुत महत्व है। एग्जाम में अगर कोई गलती हो जाए तो घबराना नहीं, कहीं 3% से रह जाओ तो घबराना नहीं, एक इंटरव्यू में नंबर कम आ जाए तो घबराना नहीं, अगला इंटरव्यू फिर आपकी तैयारी में है। और जिंदगी में जीतना तो सबको अच्छा लगता है, हारने के बाद जो जीतता है वो असली सिकंदर होता है, वो बनने की भी प्रेरणा देनी चाहिए। हमने जब अपने गांव में लाइब्रेरी शुरू करी और मेरा ई लाइब्रेरी का प्रयोग में मैं ये कहता था कि पढ़ने का तो विषय है ही, कंप्यूटर जानने का तो विषय है ही, पर जो 12वीं क्लास का लड़का या लड़की है और उसके जो माँ बाप हैं
उन दोनों का भी साथ बैठ करके काउंसलिंग करना जरूरी। माँ बाप को लगता है बीएड कर लेगी तो नौकरी लग जाएगी, फैशन डिजाइनिंग करोगे तो क्या काम करोगे, ये कोर्स करोगे तो क्या काम करोगे। बच्चा कहेगा मैं एआई का कोर्स करूंगा, मैं सीए नहीं बनूंगा, मैं कुछ और करूंगा। कोर्स का ऑप्शन बहुत है, व्यवसाय के तरीके बहुत हैं, क्योंकि कुछ चीजों की सीमितताएं हैं। लेकिन जब हमारे पास एक दृष्टि का विकास होता है तो हम जीवन में ज्यादा तरक्की करते हैं। इसलिए प्रतिभा सम्मान तो करना ही चाहिए, प्रतिभा विकास के लिए भी कोई वर्कशॉप करना चाहिए, ताकि प्रतिभा बने ही नहीं, प्रतिभा आगे बढ़े। और जीवन में तो सबके सामने चुनौतियां भी आती है और अवसर भी आते हैं। अवसर तो मिलते चले जाते हैं तो आदमी लेता चला जाता है, लेकिन चुनौतियों को अवसर में कैसे बदले, उसकी काउंसलिंग की बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत है। पर समाज का मैं ये मानता हूं कि समाज एक तरीके के प्रोटेक्शन का काम करता है। एक